हेलो एवरीवन, बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज ये मैंने बहुत प्यारा पिंक लुक क्रिएट किया है विद दिस पैलेट। इसका नाम है हेटेड विद लव, मतलब नफरत भी करो तो प्यार से शायद। काफ़ी ज़्यादा डीप थॉट है। तो यह पैलेट बहुत ज़्यादा प्रीटी है, इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसमें सारे कलर जितने आपको चाहिए उतने सारे कलर अवेलेबल है। तो अगर आपको इसका पूरा रिव्यू चाहिए तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलो हम हमारा फेस मॉइस्चराइज कर लेते हैं। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं ये निविया सॉफ्ट लिक्विड मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। इसमें विटामिन ई है, ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है और ये ना अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। तो अगर आपको कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर चाहिए, आप इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हो, ये बहुत अच्छा है। इस ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसकी प्राइस है 85। ये शायद स्मॉल साइज है इसका। तो अपना फेस अच्छे से मॉइस्चराइज करें, अपना फेस मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप मेकअप कर रहे हो या ना कर रहे हो, फिर भी मॉइस्चराइजर आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम अच्छे से अपना फेस मॉइस्चराइज कर लेंगे, फिर हम हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज करेंगे। आप कभी भी अपना स्किन केयर ना स्किप ना करें, चाहे आप मेकअप कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, आप अपना स्किन केयर हर रोज़ करें, क्योंकि स्किन को भी केयर जरूरी होती है, तभी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई होगी। तो आज हम हमारे बेस के लिए कोई भी फाउंडेशन यूज नहीं करेंगे, हम ये बीबी क्रीम यूज करेंगे। ये पॉन्ड्स की वाइट ब्यूटी बीबी प्लस है, इसमें मेरा शेड है 01 ओरिजिनल। ये क्लेम करती है कि ये इंस्टेंट स्पॉट कवर प्लस नेचुरल ग्लो देती है। तो इसका कवरेज सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें बीबी प्लस फेयरनेस क्रीम और इसमें SPF 30 PA++ है, शायद मैं अच्छे से प्रोनाउंस कर रही हूँ शायद। तो ये बीबी क्रीम बहुत अच्छी है, पॉन्ड्स की है ये, इसका कवरेज भी बहुत अच्छा है। बहुत लोग होते हैं जिन्हें हैवी बेस करना अच्छा नहीं लगता, जाहिर सी बात है हैवी बेस हमारे फेस को नुकसान ही करता है। तो आप ऐसी बीबी क्रीम में इन्वेस्ट कर सकते हो जिनका कवरेज अच्छा है और ये अपने फेस को भी नुकसान नहीं करती। और बीबी क्रीम्स की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। आप मैं तो इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, आप इन्हें फिंगर्स की हेल्प से भी अच्छे से ब्लेंड कर देते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप ये ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज करो, बट मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज किया। ये बीबी क्रीम सीसी क्रीम से बहुत ज़्यादा इजीली ब्लेंड हो जाती है। तो हमने हमारी बीबी क्रीम अच्छे से ब्लेंड कर ली है, अब हम इसे सेट करेंगे अच्छे से। अब सेट बीबी क्रीम्स को सेट करने की भी नहीं पड़ती, बट आज मैं सेट कर रही हूँ। तो मैं सेट करने के लिए मेबलिन न्यूयॉर्क वाइट सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसमें भी SPF 28 है प्लस ये PA++, इसका मुझे मतलब नहीं पता है। तो ये इसका सेड नंबर मुझे कहीं दिख नहीं रहा, तो मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे तो कहीं नहीं दिखा। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च भी किया बट मुझे इसमें नहीं दिखा। तो आप अपने हिसाब से इसे यूज़ कर लें। तो मैं सेट करने के लिए मेबलिन न्यूयॉर्क कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है। तो मैं अब अपने आईब्रोज़ फिल करूँगी। मेरे आईब्रोज़ वैसे भी नेचुरली यू नो चौड़ाई में बहुत ज़्यादा थिक है, तो और मुझे है ना अपने आईब्रोज़ नेचुरल ही पसंद है, मैं ज़्यादा उन्हें नेचुरल ही रखना पसंद करती हूँ। तो अब हम हमारी आईज को कंसील करेंगे विद दिस ग्लैम कंसीलर, ग्लैम 24 कंसीलर है। ये बहुत अच्छा कंसीलर है, इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी है। अगर आप इसका रिव्यू चाहते हो तो मैं इसका रिव्यू बहुत जल्दी लेके आऊँगी। तो चलो अब जो हमें इंतज़ार था वो आ गया, ये पैलेट। मुझे तो ना इसकी पैलेट इतनी ज़्यादा पसंद है, मैं इस पे से ना टच करती रहती हूँ, ये बहुत अच्छी है। इसका नाम ही मुझे बहुत अच्छा लगा, नफरत करो लेकिन प्यार से करो, काफ़ी अच्छा डीप थॉट है अगर कोई इसे समझने का ट्राई करे तो। इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, आपको ब्लू मिल जाएगा, ग्रीन, पर्पल, ब्राउन, न्यूड शेड्स,
पिंक रेड हर टाइप के शेड्स मिल जाएंगे और इनमें ग्लिटर्स भी है और सिमरी शेड्स भी है। तो चलो इसे ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ ये इस ना आई शेडो का नाम है स्मेल फ्रेश। आप अगर ये पैलेट यूज़ करें तो आप इन आई शेडोज को नाम से यूज़ देख सकते हो अगर आपको यही लुक क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ स्मेल फ्रेश आई शेडो लिया है, उसे मैंने अपनी क्रीज पे अप्लाई कर लिया है। ये पिगमेंटेड है बहुत ज़्यादा, सच्ची में ये पैलेट बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत ईजीली ब्लेंड हो रहा है। इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है। ये पैलेट आप इसकी प्राइस है 499। ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आपको इजीली मिल जाएगा। इसकी साइज़ भी बहुत अच्छी है, कलर्स भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं। तो मैं तो डेफ़िनेटली बोलूँगी आप जाके इसे डेफ़िनेटली बाय करें। फिर मैंने ये लाइट पिंक सिमरी शेड लिया है। ज़्यादातर सिमरी शेड ना फ्लफी ब्रश से नहीं आते हैं, उनका कलर नहीं आता, बट इन ये जो सिमरी ये जो इस पैलेट में जो सिमरी शेड्स है वो इजीली फ्लफी ब्रश से इजीली आ रहे हैं। तो आपको बहुत सारे ब्रश यूज करने की जरूरत नहीं है, आप इसी एक ही ब्रश से पूरा लुक क्रिएट कर सकते हो। अब मैं ये जो इसमें जो चंकी ग्लिटर है पिंक कलर के वो मैं ले रही हूँ, जो मैं ये सिमरी शेड पे अप्लाई करूँगी, हाफ अप्लाई करूँगी मैं। इनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। मैं तो इस पैलेट को 10 में से आई थिंक 8 या 9 देना प्रिफर करूँगी। तो बहुत अच्छा है प्राइस के हिसाब से, साइज़ बहुत अच्छी है, सारे कलर्स बहुत पिगमेंटेड है। तो आप डेफिनेटली इस पैलेट को बाय करें। फिर मैंने अपने जो आउटर कॉर्नर है उसको थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए मैंने ये डार्क ब्राउन शेड बोल रहे हैं इसमें तो, लेकिन ये पिंकिश थोड़ा सा यू नो ये होता है ना बरगंडी कलर जैसा है, तो मैं उसे ले रही हूँ। इसमें तो डार्क ब्राउन बोल रहे हैं बट इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं है। तो मैं लोअर लेस पे भी पूरा अप्लाई कर लूँगी। अब मैं नीचे जो भी फॉल आउट हुआ है उसे क्लीन कर रही हूँ विद दिस फ्लफी बिग ब्रश। ये आपको पाउडर वाला जो ब्रश होता है उससे इजीली ये रिमूव हो जाते हैं। तो आप कोई भी पैलेट हो उसमें ये जो चंकी ग्लिटर वगैरह होता है उनमें फॉल आउट होता ही है। फिर मैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए ये वाइट आई शेडो लिया है, इसका नाम है स्नो वाइट। इसमें थोड़े बड़े बड़े, ज़्यादा बड़े नहीं लेकिन हाँ, इसमें थोड़े सी ग्लिटरी स्पार्कल्स हैं थोड़े से, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इनर कॉर्नर्स पे। थोड़ा जैसे थोड़े बड़े बड़े से तो एक अच्छा ग्लिटरी लुक दे रहे हैं। अब मैं लाइनर लगाऊंगी। तो लाइनर मैंने कई पहले अपने वीडियोस में अप्लाई करके बता दिया है, तो अगर आपको देखना है कैसे मैं आईलाइनर लगाती हूँ तो आप पहले वाले वीडियो देख सकते हो। ब्लश के लिए मैं ज़्यादा कोई ना ज़्यादा ब्लश अप्लाई नहीं करूँगी, मैं थोड़ा सा अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे है ना बस थोड़ा सा टिंट चाहिए। वैसे भी मेरा आई शेडो वगैरह सब पिंक है तो मैं नहीं चाहती पूरा मुंह पिंक पिंक हो जाए, तो मैंने बस थोड़ा सा टिंट की तरह यूज़ किया है। अब मैं ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। मैं यूजुअली हाइलाइटर यूज़ करना पसंद नहीं करती क्योंकि ऑयल फेस स्टार्ट कर देता है और ऑयल की वजह से हमारा फेस वैसे भी काफ़ी ज़्यादा साइनी हो जाता है। हम जैसे वैसे भी हमारा फेस साइनी होने लग जाता है जैसे जैसे टाइम जाता है, तो ये जो हम हाइलाइटर लगाते हैं तो वो उसके साथ मिक्स होके बहुत गंदा लगता है। मैंने कई सेलिब्रिटीज़ के देखा है जिनके फिर फोटोज़ में बहुत गंदा आता है, तो मुझे पसंद नहीं है। और अब मैं ये लिप लाइनर यूज कर रही हूँ, ये ग्लैम 24 की है, इसका नंबर है 011। ये बहुत अच्छा लिप लाइनर है सच्ची में, ये ना ग्लैम 24 बहुत अच्छा वर्क, मतलब अच्छे इसके प्रोडक्ट्स हैं, मैंने तो इसे ऐसे ही सोच लिया था। तो बहुत अच्छा क्रीमी ये लिप लाइनर है। पहले मैंने सोचा था बस लिप लाइनर ही लगाऊंगी, बाद में मैंने अपना मूड चेंज कर दिया और मैंने ये है स्टील पेरिस, पता नहीं मैं इसका सही से नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ क्या, और इसका शेड नंबर है 15। तो आप
ये एक थोड़ा सा ऑरेंज पिंक रेडिश कलर है जो कि बहुत अच्छा जा रहा था इस लुक के साथ, तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया। अब मैं पूरा लुक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। मैंने ऑफ़ कैमरा आईलेसेस लगा लिए थे और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बहुत सिंपल लुक है। और मैंने बस एक मांग टीका लगाया क्योंकि मैं बस एक मांग टीका से इस पूरे लुक को हाईलाइट करना चाह रही थी। तो देखिए लुक कितना प्यारा निखर के आया है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बाय बाय।